हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? और यहाँ पे देखिए सुबह, जो कि मेरे को आज ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि ना मतलब एक एक्टिव चीज़ नहीं था आज, क्योंकि आज जो कि मेरे घर पे ना काम करने वाले आने वाले थे, मतलब काम मतलब जो गैस का जो छेद होता है ना, पाइप लगाने वाला, तो वो आएंगे लगाने, मतलब छेद करने आएंगे। तो फिर उनका वेट करते करते ना काफ़ी टाइम हो जा रहा था, तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं तो अभी क्लीनिंग कर नहीं सकती क्योंकि फिर से वो धूल धूल हो जाएगा। तो सोचा ये मिर्ची का जो डंठल है ना वो छाट के रख दूँ। तो यहाँ पे देखो अभी जो कि ये भैया आए थे ना छेद करने के लिए, पाइप का जो जगह होता है उसको मतलब एडजस्ट करने के लिए आए थे। और यहाँ लगे हाथों ना मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे देखो जो मेरे बास्केट है ना, ये सब अलग अलग रख दिया है मैंने। टमाटर, आलू, इसके अलग अलग सारे मैंने मतलब टोकरी कर रखे हैं कि ईज़िली मुझे मिल जाए हर चीज़, क्योंकि एक में रखूँगी ना तो फिर सड़ गल जाता है, फिर पता नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं। तो इस वजह से मैंने ना हर चीज़ को अलग अलग मतलब रखा है। प्याज अलग है, लहसुन अलग है, तो ये ऐसे करके मैंने रखा है। मुझे ऐसे ईज़िली अरेंज करना मतलब अच्छा लगता है और अच्छा भी दिखता है। और एक साथ रखूँगी ना तो फिर एकदम कचड़ा जैसे लगेगा। तो यहाँ पे देखो फिर से धूल धूल हो चुका है काफ़ी, मतलब यहाँ पे काउंटर टेबल को फिर से मुझे क्लीन करना है। तो अभी ना इसके ऊपर दे रही हूँ थोड़ा फेन ऑयल। और सुबह ना मैंने किया था खिड़की को साफ़, मतलब अभी ये ट्रांसपेरेंट खिड़की है, अभी तो मुझे रोज़ ही करना है खिड़की को साफ़, क्योंकि ना अच्छा नहीं दिखता है, तेल के छींटे बिटे गिरते हैं ना तो अच्छा नहीं दिखता है, तो फिर रोज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो मैंने मतलब काउंटर टेबल को साफ़ कर लिया है और गैस को ना नीचे ही रख दिया है मैंने, क्योंकि गैस को भी मुझे भी क्लीन करना है, और उधर ना अगर गैस रखती तो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखो अभी काफ़ी अच्छे तरीके से मैं गैस को भी घिस लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर भी धूल बुल जम गया है। और मैं सोची थी कि मैं ना इस गैस को ना मतलब इस चूल्हे को बदल दूँगी, बट नहीं, मेरे को भी बदलना नहीं है क्योंकि इसको ही मुझे चलाना है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो फिर अभी मेरे को चेंज नहीं करवाना है, बाद में ही करवाऊँगी चेंज अब। तो यहाँ पे देखो मैं अच्छे तरीके से इसको क्लीन घिस लिया है। घिसने के बाद मैं एक सूखे कपड़े से ना मतलब इसको पोंछ दूँगी, तो ये एकदम चमक जाएगा। तो जब तक मेरे पास ये गैस है तो मैं खाली मैं क्यों फेंकूँ? तो देखो अभी तक मैं दिखा रही हूँ एक भी काम नहीं हुआ है, एक भी नहीं, मतलब करी जा रही हूँ काफ़ी टाइम हो चुका है, एक बज गया है। और जब इतना टाइम हो जाता है ना तो फिर काम ना कम ही नहीं होता है, कम काम होता है फिर भी लगता है बहुत सारा काम है अगर टाइम ज़्यादा हो जाए। बस मुझे ना वो उनके लिए इंतज़ार था कि वो आएंगे कब और वो गैस का जो पाइप है वो कब सेट करेंगे, तो फिर उसी वजह से ना हुआ नहीं। और यहाँ पे देखो मैं नीचे पहले पोछा लगा ले रही हूँ फैन ऑयल से, क्योंकि मुझे ना नीचे बर्तन रखने हैं गीले वाले। और आज ना मैं एक वाइपर लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना पानी हो जाता है ना, फिर वो साफ़ करना पड़ता है हाथों से, तो उससे अच्छा ना मैं वाइपर लगा दूँगी ना, तो अच्छे तरीके से मॉप होके आ जाएगा। और यहाँ पे देखो सारे कप में भी धूल चला गया था, तो अभी सारे कप भी मैं वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे जो कि मेरा मैंने आजकल बर्तन धो रही हूँ कपड़े धोने वाले साबुन से, तो क्योंकि ना वो जो बीम साबुन है ना उसमें ना हाथ में स्मेल होता है काफ़ी गंदा वाला, तो इस वजह से ना मुझे वो यूज़ करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो मैं अच्छे तरीके से ना उस हैंकी से मतलब टॉवल से मैं पोंछ दूँगी, और उसके बाद उस कप के स्टैंड को ना उसकी जगह में रखे के करके फिर सारे कप अरेंज करके रखूँगी। तो देखो यहाँ पे जो कि सारे कप अरेंज हो गए हैं, मैं ना यहाँ पे ही रख रही हूँ क्योंकि ना मतलब यहाँ से इजीली मिल जाएगा हस्बैंड को, और वो ना एक आध गिरा देंगे ना क्या कर देंगे, उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इन सब चीज़ों को लेके। तो इस वजह से ना फिर मैंने यहीं पे रखा है, मैंने सजाया नहीं है एक भी कप। तो देखो यहाँ पे मेरा मतलब सारा बर्तन भी धुल गया, बर्तन भी ज़्यादा नहीं था क्योंकि कल रात को ना मैंने धोके ही रखा था, मुझे पता था कि अगर मैं धोके नहीं रखूँगी ना तो फिर वही कचड़ा हो जाएगा।
तो रात को फिर मैंने थोड़ा बहुत बर्तन धो के रखा था, और सुबह वाला चाय वाला और 2-3 कप था वही है, और जो धूल हो गया था वही वाले सारे बर्तन हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे देखो मैं लगे हाथों ना, मतलब चूल्हे का जो स्टैंड है ना उसको भी मैंने लगा दिया है, और यहाँ पे जो कि थोड़ा डिटर्जेंट से ना मैं इन कंघी को वॉश कर लूँगी, क्योंकि कंघी काफ़ी गंदा हो रखा था, तो इन कंघियों को भी मैं वॉश कर लूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वॉश नहीं किया। पहले एक बार किया था बट फिर गया नहीं अच्छे तरीके से, तो फिर मैंने फिर से कर दिया है वॉश। तो ये मेरा कंघी भी वॉश हो चुका है, और कुछ उसके अंदर ना सिंक के अंदर ना वो किचन टॉवल है उनको भी वॉश करना है मुझे। और देखिए अंदर अंदर जो जो चीज़ है ना वो सब मैं फेंक दे रही हूँ बाहर को। और यह इस जग में ना मैंने गर्म पानी रखा था, तो गर्म पानी से ना फिर किचन टॉवल धोंगे ना फिर वो तेल तेल रहेगा नहीं गर्म पानी, इसलिए मैंने गर्म पानी में ही डिटर्जेंट डाल के फिर इन टॉवल्स को ना मतलब भिगो के रख दिया था 4-5 मिनट के लिए। तो अभी इसी में मैं धो के रख दूँगी और बाहर बाद में सुखा दूँगी मैं, जब मेरे को टाइम मिल जाएगा, मतलब जब मैं बाहर जाऊँगी सुखाने के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ किस टाइप का काम करना है, कि एक बार बाहर जाऊँगी तो काफ़ी सारा काम लेके जाऊँगी, एक एक करके काम लेके जाऊँगी ना तो फिर लेट हो जाएगा, तो इस वजह से ना फिर मैं जब जाऊँगी तभी लेके जाऊँगी। और ये वाइपर अभी मार देती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, सूख भी जा रहा है। फिर बाद में अगर एक सूखा कपड़ा मार दूँगी ना तो पूरा सूख जाएगा, या फिर फ़ैन चला दूँगी तो पूरा ही सूख जाएगा। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला था कि लाने के लिए वाइपर, बट वो ना मतलब सुन ही नहीं रहे थे, तो फिर मैं लेके आई सुबह जाके चल चल के, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे पास में ही है, साइड में ही है। तो अभी ना मैं अच्छे तरीके से सिंक को भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि ये मेरा रोज का काम है, बर्तन धोने के बाद सिंक को भी मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि अगर सिंक को वॉश नहीं करोगे ना फिर बाद में एक हफ्ते हफ्ते में फिर मन नहीं करेगा आपको सिंक धोने का, और ना मतलब अजीब सा फील होगा। इस वजह से मैं ना रोज़ सिंक को घिसती हूँ और रोज़ धोती हूँ, क्योंकि जो नया है वो हमेशा नया ही रहे, तो मैं ये कोशिश करती हूँ और हमेशा कोशिश करूँगी कि जब भी मैं बर्तन धोऊँ तभी मतलब मैं सिंक को वॉश करूँ, क्योंकि मुझे एक हफ्ते बाद सिंक वॉश करना पसंद नहीं है, और टाइम भी नहीं लगता है उतना सिंक को वॉश करने में, जितना टाइम आपके पास बर्तन धोने के लिए, थोड़ा सा टाइम सिंक धोने के लिए कर दो तो चल जाएगा। मिला अभी टाइम हो रहा है 2 और हस्बैंड आने का टाइम हो चुका है, और आज ना थोड़ा लेट किया सब कुछ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो टाइल वाले हैं ना वो पॉइंट करने के लिए आए थे, छेद करने के लिए आए थे वो गैस के पाइप के लिए, तो उसके लिए इंतज़ार करते करते ना पूरा 12:30 बज गया। उसके बाद वो आए, उसके बाद फिर मेरा काम शुरू हुआ, क्योंकि पहले करती ना तो फिर धूल धूल हो जाता। तो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, आज पहना है साड़ी, जो कि ये वाला साड़ी किसने दिया था, हाँ मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी थी तो वहाँ से मिला था मुझे।